Myra Fashions, an exclusive range of designer collection. Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. तो ये है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2000 आज हमारा धरने का तीसरा दिन है। हम सारे वरिष्ठ अध्यापक 2018 के बेरोजगार भाई यहाँ तमाम राजस्थान प्रदेश के जिलों से आए हुए इकट्ठे हुए हैं और हमारा प्रदर्शन आरपीसीए के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि हमारा परिणाम जारी हो, हमको नियुक्ति मिले। वर्तमान प्रदेश सरकार ने जो बेरोजगारों का साथ ले के जो सरकार बनाई है उसके आधार पर हम उनके साथ थे, उनको चुनाव जिताया, आज प्रदेश में उनकी गवर्नमेंट बनी है, लेकिन बेरोजगारों का कुछ संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। खुद बेरोजगार परेशान है और इस कदर परेशान है कि आज वो रोडों पे भीख मांग रहे हैं। आने वाला जो भविष्य बनाता है भारत का, वो शिक्षक अगर रोडों पे भीख मांगेगा तो उस प्रदेश की क्या हालत हो सकती है, ये सभी को पता है। इसको ज़्यादा सीरियसली लेना होगा गवर्नमेंट को, नहीं तो खिलाफ काफ़ी कुछ हो जाएगा उनके। राहुल गांधी जी जो केंद्र से कहते हैं कि हम बेरोजगारों के साथ हैं, युवाओं का साथ देंगे, युवा हमारे साथ हैं, तो युवा तो साथ है लेकिन युवाओं का ध्यान तो रखो, प्रदेश में क्या चल रहा है एक बार राजस्थान प्रदेश में आके तो देखो। राहुल गांधी जी और जो आरपीएससी है यहाँ के कर्मचारी है वो इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, किसी को कोई जवाबदेही नहीं है। हम अंदर जाते हैं पूछते हैं, यहाँ की सचिव साहब है वो हमको धक्के मार के बाहर निकलवाती है, कहती है कि एक महीने की नहीं अब तो 2 महीने में रिजल्ट आएगा तुम्हारा। आज 2 महीने हो गए, अब तो दे दो हमारा रिजल्ट। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती अप्रैल 2018 में विज्ञप्ति जारी हुई थी, अक्टूबर 18 में इसका एग्जाम हुआ था, अब नवाचार करके 29 जुलाई 2019 को इन्होंने रिजल्ट निकाला प्रोविजनल। उसके बाद में कोर्ट में गई भर्ती, वो इनकी गलती से गई है। उसके बाद में जैसे तैसे कोर्ट से निकलवाई भर्ती, निकलवाने के बाद में इन्होंने नवम्बर 2018 से काउंसलिंग का प्रोग्राम चालू किया, दिसंबर 2018 में काउंसलिंग कम्प्लीट की। उसके बाद में इनकी तरफ से ही एक ऑडिट किया जाता है कि आपका परिणाम लगभग हफ्ते भर में निकाल दिया जाएगा, लेकिन आज 2 महीने बीत चुके हैं, यहाँ से कोई जवाब नहीं है, ना हमारा कोई परिणाम जारी हुआ है और 3 दिन से हम परेशान होकर धरना दे रहे हैं। हो सकता है कल नौबत आए कि हम भूख हड़ताल पे भी बैठे। अब तो या तो हमारा रिजल्ट आएगा या हमारा प्राण जाएगा, इन दो में से एक काम होगा और उसकी जिम्मेदारी आरपीएससी की होगी, वर्तमान प्रदेश सरकार की होगी। सारे बेरोजगार परेशान है, हमारा परिणाम जारी करो। मेरा नाम राजेश कुमार चौधरी है, मैं जयपुर से हूँ सर।